हेलो फ्रेंड्स, प्रभा हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आइए तो हम आपको बताते हैं इनका हेयर स्टाइल हमने ये कैसे बनाया, क्योंकि मैं आपको लगातार ही ब्राइडल हेयर स्टाइल सिखा रही हूँ। मैंने पार्टी वेयर अभी हेयर स्टाइल ज़्यादा नहीं दिए हैं इस पर, तो उसी तरीके से अगर आपको इनका मेकअप देखना हो तो मेरा दूसरा चैनल है प्रभा मेकओवर, आप उस पर जाकर इनका मेकअप सर्च कर सकते हैं। इनकी ये वाली वीडियो प्रभा मेकओवर पर भी मैंने डाली हुई है, अगर आपको मेकअप देखना हो तो आप वहाँ जाके मेकअप देख सकते हैं और मेरा वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वाले चैनल पर मैं खाली हेयर स्टाइल वगैरह ही डालती हूँ। तो मैं आपको इनका हेयर स्टाइल मैंने कैसे बनाया, बहुत ज़्यादा स्प्रे का यूज़ नहीं किया, बहुत शॉर्ट हेयर हैं इनके और आई थिंक इनके स्नैप कट हेयर हैं और बहुत ही कम बालों में मैंने ये लुक इनको दिखाया है, आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि क्लासेस का मेकअप है। ये पैक में जितने भी खड़े हैं ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं और मैं वहाँ पर भी दूसरा मेकअप सिखा रही हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं इनका हेयर स्टाइल कि ये मैंने कैसे बनाया और आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ये मेरे सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ क्लास लेने आए हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट के बाल कितने शॉर्ट हैं और साथ में स्टेप कट भी हैं, तो मैंने इनका मेकअप किया और मैं इनका हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें हमें ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर में भी बनाना मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हेयर में भी, और स्पेशली तब जब हमारे बाल स्टेप कट हों तो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है हेयर स्टाइल सिखाना। ये हमारी सुनीता मैम खड़ी हैं साथ में, जो बहुत दूर से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से हमारी क्लासेस लेने आई हैं। ये मेरे पहले बैच में भी आना चाहती थी बट नहीं आ पाई, तो हमारे इस वाले बैच में आई हैं। इनका मेकअप भी, इनका ऑस्ट्रेलिया में पार्लर है जिनका मैं मेकअप कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और ये बहुत रेपुटेटेड पार्लर में मेकअप आर्टिस्ट हैं। इन्होंने हमारे यहाँ मेकअप की क्लासेस ली और इनका खुद का मेकअप भी बहुत अच्छा है। पीछे के बालों को मैंने बहुत अच्छे से सिक्योर किया है पौनी में, अब मैं आगे के बालों को स्टफिंग लगा कर और बहुत अच्छे से सेट करने जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा ब्राइडल हेयर स्टाइल में हमें हमेशा चुन्नी वगैरह ये सब रखनी पड़ती है, तो मैं कभी भी नहीं बनाती बिना स्टफिंग के, वाह हमेशा स्टफिंग के यूज़ करती हूँ। अब मैंने ये दूसरी स्टफिंग यूज़ की है बैक में, क्योंकि इनके बाल इतने शॉर्ट हैं कि अगर हम पफ या डोनल वगैरह जो भी लगा करके हम यूज़ करें तो वो नहीं हो पाएगा, इतने बाल ज़्यादा स्टेप कट इतना शॉर्ट है, इसलिए मैंने दोबारा से स्टफिंग का यूज़ किया है और ये मैंने हाफ़ स्टफिंग का यूज़ किया है ताकि इनका ऊपर का हम पफ बना सकें अलग से और उसको राउंड जूड़े की शेप में दे सकें। इनके जितने शॉर्ट हेयर हैं इनका मैंने नीचे जूड़ा बना दिया, क्योंकि हमारा जूड़ा चुन्नी वगैरह तो ऊपर ही सेट होगी, तो नीचे का जूड़ा हम अपने तरीके से बना सकते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लगा करके अपने हेयर स्टाइल को बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं। ये देखिए आजकल बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती है, ये देखिए बहुत अच्छे से रबर बैंड की शेप में ये मिल जाते हैं और बहुत कम रेंज में होते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होते और इनके ये इसी कलर के हैं, हाइलाइटेड हेयर के पफ मिलते हैं, वो लगाया है मैंने जो कैजुअल आपके पास हमेशा मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत बहुत फैशन है हाइलाइटेड हेयर का, तो इस तरीके के स्विच भी मिलते हैं तो आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने माथा पट्टी को सेट किया है, हैवी माथा पट्टी है तो मैंने बॉपिन की मदद से ही उसको सिक्योर किया है। देखिए बहुत शॉर्ट हेयर हैं, आप पफ नहीं बना सकते, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको क्रिम्प करूं ताकि बहुत अच्छे से क्रिम्प हो जाएं बाल, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं क्रिम्प करने के बाद। अगर हमारे बहुत शॉर्ट हेयर हैं तो हमेशा क्रिम्प करके आगे से यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है।
हमारी 17 अगस्त से क्लासेस हैं, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी 5 डेज़ की क्लास है 15,000 की, जो जिसमें आपका रहना और खाना सब इंक्लूड है। और ये हमारे मेरे अपने अपार्टमेंट में ही होंगी, वहीं पर सारे स्टूडेंट रुकेंगे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है, तो आप वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आप हमारी क्लासेस हमारे यहाँ से ले सकते हैं। 5 डेज़ की क्लास हमारी 15,000 की है और 10 दिन की क्लास हमारी 30,000 की है, जिसमें कि खाना रहना सब आपका उसी के अंदर इंक्लूड है। अभी तक मैंने बिल्कुल भी स्प्रे का यूज़ नहीं किया है। आपने मेरे बहुत सारे हेयर स्टाइल में ट्विस्टिंग देखा होगा, बहुत शॉर्ट हेयर हैं और ये थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हम अगर इनको खींचेंगे तो ये इतने शॉर्ट हैं, क्योंकि स्टेप कट हेयर हैं और आगे से लेयर कट किया हुआ है इन्होंने, तो भी मैंने बहुत अच्छे से उनका इतने शॉर्ट हेयर में, क्योंकि जो स्टूडेंट थे वो कहते इतने शॉर्ट हेयर में जूड़ा बनाना पॉसिबल ही नहीं है मैम हमारे लिए, तो लेकिन मैंने फिर भी उनको बनाकर दिखाया। चाहे वो लुक अगर हम डायरेक्ट इन बालों को लगाएंगे तो हट जाते, लेकिन हम इस तरीके से ट्विस्टिंग करके लेके जाएंगे तो हमारे बालों में सारा जुड़ा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, और उसी तरीके से मैंने किया है। अब देखिए बहुत कम क्वांटिटी आप बाद में स्प्रे की मैंने यूज़ की है। अब मैंने सेट कर दिया सारा जुड़ा, आपको देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप ब्राइडल हेयर स्टाइल में बहुत आसानी से ये जुड़ा बना सकते हैं और आप किसी भी ऑर्किड से या फ्लावर से जुड़ा सेट कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल इतने शॉर्ट हेयर में, मैंने आपको स्पेशली यही बताया। कई बार क्या होता है हमारे पास बड़ी बड़ी स्टफिंग होती है और हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया भी है, लेकिन उससे भी अगर शॉर्ट हेयर हैं तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, तो हमारा दुपट्टा भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और हमारा मेकअप भी बहुत कहीं हिलेगा नहीं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट तो मुझे ज़रूर करें कि आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं आपको आपके से हम एक और नई वीडियो के लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। और आई होप मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इस बार मैं पार्टी वेयर हेयर स्टाइल लेकर आऊँ जो आपने अभी तक देखा ना हो, क्योंकि काफ़ी हद तक मेरे ब्राइडल मेकअप के ही हेयर स्टाइल आपको दिखाए हैं मैंने, तो अब मैं पार्टी वेयर लुक आपके लिए लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।